देखिए दोनों बहनें बैठ गए हैं ऑटो पे, ये देखिए कितना हंस रहे हैं दोनों बैठ के। हेलो एवरीवन, दिस इज जयिता, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी हम लोग कहाँ जा रहे हैं ये तो आप लोग ऑलरेडी समझ गए हो, क्योंकि वहाँ पे टाइटल मैं दे चुकी हूँ। तो इलाहाबाद में मेरी बड़ी मौसी जो है वो रहती है। तो मैं जब फर्स्ट टाइम गई थी मैं क्लास 7 में थी, उसके बाद मैं डायरेक्ट 2021 में जा रही हूँ, तो मुझे याद नहीं है बिल्कुल भी। अभी जो मैं जाऊँगी ना मुझे बिल्कुल नया नया सा लगेगा। सामान जो है पैक हो गया है, अभी हम लोग जा रहे हैं हावड़ा स्टेशन, वहाँ से हम लोग का ट्रेन 11:35 पे है। खुबी ठीक करे থাকবে, দুষ্টুমি করবে না একদম। ये स्कूबी को मैं बाय बोल रही हूँ। ये देखिए ये हम लोगों को बहुत मिस करता है, ये बिल्कुल बदमाश है, इसको छोड़ के जाने का एकदम मन नहीं करता है। ये जो है लॉक कर दिया मैंने, सब कुछ हो गया, बस निकलूंगी पड़ा पर। चलो हावड़ा स्टेशन में मिलते हैं, बाय। राइट टाइम पे है तो 8 नंबर प्लेटफॉर्म से हम लोगों की ट्रेन छूटेगी। ये देखिए मम्मी बाबे, हाँ मम्मी बाबे दोस्त बना लिया। देखो हाथ पे दो बैग, पीठ में एक, मेरे हाथ में भी 2-3 है ऑलरेडी। ये देखिए मम्मी की सीट नंबर है वो नंबर 1, और मेरा जो था वो 18 पे था और ध्रुवो का था 40 पे। तो हम लोगों ने क्या किया तो एडजस्ट कर लिया, वो वहाँ पे ध्रुवो का है, यहाँ पे अभी मैं बैठूँ सोऊंगी और यहाँ पे मम्मी। मॉर्निंग, तो आज है हम लोगों का इलाहाबाद में ट्रेन जा रही है यहाँ से। आवाज़ को पहले ख़त्म हो जाने दो वरना कुछ सुनाई नहीं देगा आप लोगों को। तो हम लोग निकले थे परसों रात को, हम लोग ट्रेन में बैठे थे, कल हम लोग इलाहाबाद आके पहुँचे 2:30 बजे। उसके बाद मैं इतनी टायर्ड थी, मतलब मन तो कर रहा था थोड़ा सा ब्लॉग बनाऊँ आप लोगों के लिए, लेकिन इस बार मैं इतनी टायर्ड हो गई थी, बहुत सो रही थी, तो कल कुछ मैं ब्लॉग नहीं बना पाई। तो आइए मेरी बड़ी मौसी से मैं मिलाती हूँ। अभी मौसी हम लोगों को लेके बाहर घुमाने लेके जा रही है, तो हम लोग जाएंगे यहाँ पे प्रयाग जाएंगे, और कहाँ कहाँ जाएंगे चलिए मौसी से पूछते हैं हम लोग। ये मिलिए, ये है मेरी बड़ी मौसी इलाहाबाद में। नमस्ते जी। मौसी हम लोग अभी कहाँ कहाँ जाएंगे? हम लोग अभी पहले जाएंगे आनंद भवन, मतलब नेहरू का घर है, वही देखने जाता है। उसके बाद हम लोग जाएंगे संगम में, वो लोग नहाएंगे नहीं तो घूम घाम के मेला वाला देख के आ जाएंगे घर। चलिए हम लोग पहले चलते हैं जवाहरलाल नेहरू जी का घर आनंद भवन, उसके बाद हम लोग जाएंगे संगम। तो संगम में मुझे तो तैरना नहीं आता और मैं नहाऊंगी नहीं, ध्रुवो नहीं, मम्मी को तो तैरना नहीं आता है, मौसी को भी नहीं, किसी को नहीं। तो चलिए ऑटो वाला भैया सुनील भैया आ गए हैं यहाँ पे। ये देखिए ये है मम्मी, ऑटो पे बैठ रही है मम्मी, मौसी जा रही है। मां ध्रुवो कोई,
देखिए दोनों बहनें बैठ गए हैं ऑटो पे, तो बहुत खुश है। मम्मी भी बहुत खुश है, बहुत दिनों बाद मौसी से मिली है। ये देखिए कितना हंस रहे हैं दोनों बैठ के। वो आ रहा है ध्रुवो, और ये है मेरे बड़े मौसा। ये देखिए ये सब कितना सारा मिठाई का दुकान है। देखिए ये जो है सिल्वर कलर का, सिल्वर सिल्वर सब मिठाई का दुकान है ये। ये जमुना नदी, वो देखिए वहां से ब्रिज किया, वहां से रेल जाती ऊपर से। हम लोग पहुंच गए हैं आनंद भवन में। चलिए आनंद भवन के अंदर चलते हैं, शायद वहां पे टिकट लगता है अंदर जाने के लिए। चलिए देखते हैं। इस साइड पे है टिकट काउंटर, एंट्रेंस कम ग्राउंड फ्लोर 20 रुपए, वही तो मानने में दो, ग्राउंड एंड फर्स्ट फ्लोर 70 रुपीज, तो हम लोगों का 70 रुपीज पड़ा। तो चलिए चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। मम्मी बोल रही है यहाँ पे ढेर सारा गुलाब का पेड़ है। चलिए कितना सुंदर गुलाब है यहाँ पे। ये देखिए आनंद भवन के सामने आ गए हम लोग। आनंद भवन के अंदर वीडियो एंड फोटो सब कुछ प्रोहिबिटेड है, तो इसके अंदर हम लोग कैमरा नहीं लेके जा सकते। अभी हम लोग थोड़ा अंदर जाके घूमेंगे, देखेंगे कैसा है अंदर से आनंद भवन। लेकिन आप लोग खुद आइए, आके आनंद भवन के अंदर जाइए, देखिए। तो आनंद भवन घूम लिया, अभी चलते हैं बाहर, और अभी हम लोग जाएंगे संगम। तो चलिए संगम चलते हैं। अभी हम लोग आ गए हैं प्रयाग में। ये देखिए यहाँ पे हाँ हाँ, तो यहाँ पे अभी मेला लगा हुआ है। इस टाइम पे क्या मेला होता है? माघ मेला, मौसी बोल रही है कि माघ मेला ये। तो अभी हम लोग गंगा के किनारे जाएंगे। वहाँ पे बहुत ज्यादा धूल है, यहाँ पे पूरा डस्ट डस्ट हो गया एकदम। हवा चल रही है तेज, उसके साथ डस्ट, और मेरा थोड़ा मोड़ा डस्ट एलर्जी है। अगर छींक स्टार्ट हो गया ना तो एक साथ 20-30 छींक आ जाएगा मुझे। वहां पे आ रही है मौसी मम्मी। अभी हम लोग जा रहे हैं आइसक्रीम खाने। क्या क्या है? चॉकोबार कितना करती? मासी की खबे मासी, तो एक एक ठो कप, एक ठो चॉकोबार। कौन सा वाला ज्यादा अच्छा है, ये चॉकोबार वो कप? हाँ दोनों अच्छा है, ठीक है। ये सब पान मसाला। एक पानी में भर दीजिए।
सकते हो आप? कितना लगेगा चार्ज? घूमिए आप चॉइस तो करिए, छोटा राउंड घूमना बड़ा राउंड घूमना। बस एक छोटा सा अगर राउंड घूमेंगे तो कितना? छोटा राउंड घूमेंगे मैम 360 रुपए पड़ेगा, चाहे आप एक लोग रहिए चाहे 10 लोग रहिए। क्या टाइम लगेगा वो छोटा राउंड? 15 मिनट। बस 15 मिनट से ही चलेगा। तो हम लोग बैठ गए हैं नाव पे और ये भैया हम लोगों को छोटा वाला राउंड घुमाएंगे, बस 15 मिनट का एक राउंड। हम लोग थोड़ा नदी के आसपास घूम के वापस आ जाएंगे ऊपर। सारा दिन घूमने के बाद नाव में बैठ के काफी मजा आया और जो भैया चला रहे थे नाव मस्त एकदम, बोला कि आप थोड़ा चला लो, अच्छा वीडियो बनेगा आपका, वीडियो बना रहे हो ना बना लो, तो काफी अच्छा है, अच्छे से घुमाया बड़े प्यार से। अभी हम लोग यहाँ से जा रहे हैं ऊपर। আমি তো চা খাবো না, কফি বানায়। अभी हम लोग आए हैं बाबा ढाबा पे, यहाँ पे चाय पीने के लिए। चलिए अंदर। निरामिश सब कुछ भेज भी लगा, भेज भेज पनीर भी लगा, पनीर मिलता है। ये आ गया हम लोगों का पनीर का पकोड़ा विथ चटनी। पनीर जो है थोड़ा खट्टा है लेकिन टेस्टी है। ओके, तो आज सारा दिन हम लोगों ने काफ़ी अच्छा घूम लिया, तो हम लोग घर भी पहुंचने वाले हैं बस। और हम लोग रास्ते से थोड़ा सा योगर्ट ले लिया क्योंकि हम लोग अभी घर में जाके चिकन बनाएंगे, उसको मैरिनेट करने के लिए लगेगा। तो आज का एपिसोड यहीं पे करती हूँ एंड, फिर मिलेंगे अगले ब्लॉग में। और तब तक के लिए बाय बाय, एंड जैसे बोलती हूँ डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, बाय।